हाय, वेलकम टू हिंदुस्तान क्लासेस। मैं हूं हर्षित राज। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का सबसे बेसिक रूल है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भी बोर्ड मास। बोर्ड मास तो आपने सुना ही होगा, लेकिन भी बोर्ड मास भी आज हम भी बोर्ड मास पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर सबका नाम लिख देता हूँ पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी का मतलब होता है विनिक्लम, और बार बार जिसके ऊपर, ये ऊपर में जो रहता है बार, इसको बार बोलते हैं। तो वी से विनिक्लम बार। तो इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। ओ से ऑफ। पहले हम भी का करेंगे, फिर बी का करेंगे, फिर ओ का करेंगे, फिर डी, फिर एम, फिर ए और फिर एस। हम क्वेश्चन कर इसको डिटेल में समझेंगे। इधर से हम चलते हैं करते हुए और यहाँ तक, यानी कि पहले हम बार का करेंगे, जो सिंप्लीफिकेशन पहले बार का करेंगे, फिर ब्रैकेट में जाएंगे, फिर ऑफ का करेंगे, फिर डिवाइड का करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का करेंगे, फिर ऐड का और फिर सब्ट्रैक्ट का। तो ये आप याद रखिएगा, भी बोर्ड मास ये इम्पोर्टेंट है, भी बोर्ड मास। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें देख सकते हैं वो 121 भागा 11 इंटू 4। तो हम पहले यहाँ पर देख सकते हैं भी तो है नहीं, इसमें बार कहीं तो लगा नहीं है, बी भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 121 को 11 से डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 11 इंटू 4। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, हमारा आ गया 44। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, 75 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 इंटू 2। अब हम इसमें से देखेंगे कि इसमें से हमारा ये, इसमें से इसमें पहले कौन है। तो पहले हमारा डिवाइड वाला आता है, पहले हमारा डिवाइड आता है। ब्रैकेट वेरिकुलम तो है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, यानी 75 प्लस 4 डिवाइड 2, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 2। तो यहाँ 75, फिर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई, माइनस 6। फिर हमारा क्या आता है, मल्टीप्लाई के बाद ऐड। तो पहले हम ऐड कर देंगे, यानी हमारा आ गया 77। 75 और 2 कितना हो जाएगा, 77, फिर माइनस 6, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में होता है सब्ट्रैक्ट, तो हमारा आ गया 71। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए, भी तो वेरिकुलम तो कहीं बार तो है नहीं, पहले आता है ब्रैकेट। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 99 डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर भी देखेंगे पहले क्या है। तो पहले हम, यहाँ पर ऐड है और यहाँ सब्ट्रैक्ट है, तो पहले ऐड आता है, तो पहले हम ऐड कर देंगे, 22 26 और माइनस 11। 99 डिवाइडेड बाई 26 माइनस 11 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 और 1 15 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अब हम डिवाइड देंगे, यानी 99 डिवाइडेड बाई 15, ये 3 से जाएगा, 33 और 5, यानी हमारा आंसर आ गया 33/5। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, 39 प्लस 7 बिग ब्रैकेट, 75 प्लस 89। और ये यहाँ पर देख सकते हैं हम, तीन ब्रैकेट है, एक बिग ब्रैकेट भी है, एक मिडिल ब्रैकेट भी है और एक स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो हम ये, जब ये तीनों ब्रैकेट या फिर दो कोई ब्रैकेट होता है, तो हम पहले बिग ब्रैकेट का सॉल्व कर सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट में, तब हम जाते हैं सेकेंड
स्मॉल ब्रैकेट के पास और लास्ट में, नहीं उल्टा हो गया, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और फिर करते हैं हम बिग ब्रैकेट का। स्मॉल ब्रैकेट का पहले करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट का आएंगे, फिर बिग ब्रैकेट का आएंगे। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम मिडिल ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो 7-2 कितना आ गया, 5। 39 + 75 + अब हम मिडिल ब्रैकेट का करेंगे तो 89 + 5 कितना हो जाएगा, 94। अब हम बिग ब्रैकेट का करेंगे तो 39 + 5 = 9, 7 or 9 = 16। अब हम इसको करेंगे तो 9 9 = 18, 208 हमारा आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें देख सकते हैं ऑफ है, ऐड है और मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट भी है। तो हम पहले इसमें से किसका करेंगे, हम ब्रैकेट का करते हैं। तो पहले हम इसका करेंगे 24 of 4 + 4 × 5, और इनका करेंगे तो हो जाएगा इनटू है यहाँ पर, तो 4 और 3 = 7। अब हम किसका, ब्रैकेट के बाद किसका आता है, ऑफ का, यानी कि हम इसका करेंगे, यानी ऑफ का मतलब भी गुना होता है। तो जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 4 = 16, 4 2 = 8 और 9, प्लस 4 × 5 × 7। तो हम फिर मल्टीप्लिकेशन का करेंगे तो यहाँ 96 + 4 5 = 21 = 40। फिर हम एडिशन पे आएंगे तो हमारा 6 और 0 = 6 आ गया, 236 आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले क्या किया, पहले ब्रैकेट आया तो पहले हम ब्रैकेट का सॉल्यूशन किए, उसके बाद हम ऑफ का किए, फिर मल्टीप्लाई का, और फिर लास्ट में एडिशन का। इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे वेनिकलम वी का यूज, यानी बार। यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा वेनिकलम, यानी हम इसको बार भी बोल सकते हैं। तो पहले हम किसका सॉल्यूशन करेंगे, वी, पहले वी आया तो वेनिकलम यानी इसका सॉल्यूशन करेंगे, 29 + 3 × 2 + 9 or 2 = 11। फिर हम वेनिकलम के पास ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, तो हमारा क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो 29 + मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर 11, फिर मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है, ऐड, तो हम इसको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 46। एक और क्वेश्चन वेनिकलम पे करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा वेनिकलम पे, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा वेनिकलम का साइन है, तो पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 30 - 30 क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब 42 / 21, फिर हम किसका ब्रैकेट का करेंगे, तो ब्रैकेट में 21 + 0 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 21 ही आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में डिवाइड करेंगे, यानी 42 / 21 कितना आ गया, 2 आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही,
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।